नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं उत्कर्ष उपाध्याय और आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के इस लाइव सेशन में। तो साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को हर हर महादेव। हेलो सर, अंकित कुमार ने लिखा है, कैसे हैं आप भाई? मैं बहुत ठीक हूँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखो। ठंडी बढ़ गई है तो कंबल में घुसे रहो, रजाई में घुसे रहो, पढ़ाई करते रहो बस। पीयूष जी हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल। असित वर्मा जी, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बाबू, सभी को गुड इवनिंग। एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। सभी लोग, किंग साहब हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, नमस्ते नमस्ते बाबू, खुश रहिए। राधे राधे महादेव, सभी को गुड इवनिंग। नंदिनी जी हैं, राधे राधे। मान सिंह मौर्य, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अच्छा सुनिए, देखिए हमारे चैनल पे लगभग 38,900 के आसपास, 38,800 खैर दिखा रहा है लेकिन लगभग 900 पहुंचने वाला है, इतने लोग हो गए हैं। हमारा टारगेट ये है कि 1 तारीख तक आप सभी लोग इतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों से देखिए, पढ़ाने के एवज में तो हम कुछ लेते नहीं है, बस इतना काम कर दीजिए आप लोग, इतना शेयर कर दीजिए कि जितने भी साथी नए हैं, आपके नए साथी जुड़ जाएं और 40,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएं। नए वर्ष पर 40,000 सब्सक्राइबर, ठीक है, इतनी कोशिश है हमारी, ठीक है। 1100 हम दूर हैं, अब ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है, आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग चाहें कोशिश करें तो ये हो सकता है, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश करिए इसके लिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से इतना कहूंगा मैं, एक बार अपने जो भी बढ़ते हैं अपने स्लाइड पे, अपना जो भी ग्रुप है, ठीक है, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी आपके साथी हैं, उनसे इसको शेयर कर दें, ठीक है, जितने नीडफुल लोग हैं जिससे उन्हें फायदा हो जाए, ठीक है। तो एक बार आप सभी से निवेदन है, शेयर कर दीजिए इसको अपने उन सभी साथियों से, ठीक है, जिससे हम 40,000 तक पहुंच जाए। किंग साहब हैं, अभिषेक सिंह हैं, कुमनित चौहान हैं, जी हाँ, सभी को गुड इवनिंग, बिल्कुल। शुरू करते हैं, देखिए आज का जो सेशन है ना, आज का सेशन मैंगो ओरिएंटेड है, ठीक है, क्या है, मैंगो ओरिएंटेड है आज का सेशन, ठीक है। आज का सेशन जो है वो मैंगो ओरिएंटेड है, मैंगो क्रॉप की तरफ ज्यादा हमारा फोकस रहेगा आज, ज्यादा का मतलब उसी क्रॉप पे आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं, ओके, ठीक है। अभिषेक जी हैं, अविनेश यादव, सभी जुड़ गए हैं, कमेंट भी आने लगे आपके, ओके। आम की उत्पत्ति है, आम का उत्पत्ति स्थान देखिए पूछा है, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर करते लाइक वाला बटन दबा दीजिए, सभी साथियों से निवेदन है, ठीक है, थोड़ा सा इतना तो हो ही जाए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, इतना काम कर दीजिए, 40,000 सब्सक्राइबर तक आप लोग पहुंचा दीजिए नए वर्ष पर, इतना काम करना है आप लोगों को, ठीक है। ज्यादा नहीं, हम बस 1100 दूर हैं, 1100 सब्सक्राइबर दूर हैं 40,000 होने से, ठीक है। तो इतना हो जाए तो फिर आप लोग के लिए कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है, तो इतना काम करिए आप लोग, ओके गुड। देखिए कमेंट करें आप सभी, तो सेशन शुरू हो गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहला क्वेश्चन है मैंगो से संबंधित है, कह रहा है कि मैंगो की उत्पत्ति कहां है, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। तो जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है ना, आप लोग बताते रहिए, मैं भी बताते रह रहा हूं, ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका होता है, ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका ये क्या होता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है। आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कोरोना फिर से आ रहा है, चीन में घातक तबाही मचा दिया है, भारत में भी 4 मरीजों की पुष्टि हो गई है, तो इसलिए अगर आप लोग, हमारी वैक्सीन बहुत कारगर है इसके लिए, तो सबसे पहले एक निवेदन आप सभी से, देश हित में, राष्ट्र हित में और आपके स्वयं के हित में, आपके परिवार के हित में, कि अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा, ठीक है, और एक डोज, दो डोज, साथ में बूस्टर डोज, ठीक है, ये सभी लगवा लें, इससे आप सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित बैठे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सभी साथियों से निवेदन है हमारा, सभी सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, ओके ओके, ठीक है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं मैंगी फेरा इंडिका ए, ओके, देखते हैं। देखिए तो ये जो मैंगी फेरा इंडिका हो गया, इसकी फैमिली क्या होती है, एनाकार्डिएसी होती है इसकी फैमिली, एनाकार्डिएसी, ठीक है, थोड़ा बेसिक बातें इसके बारे में कर लेते हैं। एनाकार्डिएसी क्या है, इसकी फैमिली है, ठीक है, इसी परिवार का ये सदस्य है। आम का जो उत्पत्ति स्थान है ना साथियों, इंडो बर्मा होता है, कहां होता है, इंडो बर्मा होता है आम का उत्पत्ति स्थान, ठीक है। अच्छा साउथ ईस्ट एशिया किसका उत्पत्ति स्थान, तो ये होता है बनाना का, बनाना का होता है, ठीक है। बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है, बोटानिकल नेम मूसा पैराडिसियाका, क्या होता है, मूसा
पैराडीसिया का, ये नोट करते रहिए आप सभी, ठीक है, डीसिया का, मूसा पैराडीसिया का। ट्रॉपिकल अमेरिका में किसका, हालांकि साउथ ईस्ट एशिया में आई थिंक एप्पल का भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल अमेरिका में किसका होता है, पपाया का, पपाया का, जिसका नाम क्या होता है, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, ठीक। जो मैंगो होता है ना, मैंगो का जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो क्या होता है, 2n = 40, n = 20 और x = 10। अब ये कहेंगे x क्या है, x होता है बेसिक क्रोमोजोम नंबर, बेसिक क्रोमोजोम नंबर। किसी दिन जब भी हम पूछेंगे जेनेटिक्स में ना, पॉलीप्लाइडी जब पढ़ाएंगे ना, हम जब पॉलीप्लाइडी पढ़ाएंगे, प्लॉइडी पढ़ाएंगे, उसमें एन्यूप्लाइडी जितने भी प्लॉइडी हैं सारा जब हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, तो वहां हम बताएंगे एन टू एन एक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक क्रोमोजोम नंबर, बेसिक क्रोमोजोम नंबर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अच्छा, आम की एक ऑक्टाप्लाइड वेराइटी होती है, किसी को पता है आम की ऑक्टाप्लाइड वेराइटी का नाम, ओके, आम की, हाँ, राइस का साउथ ईस्ट एशिया है, बिल्कुल, और किसका है, राइस के साथ साथ, राइस के साथ साथ चिकपी का भी है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, चिकपी का भी है साउथ ईस्ट एशिया, ओके। शिवानी पांडे हैं, असित वर्मा, अनिमेश यादव, अजय गंगवार, अमित कुमार रवि, शिवजी गुप्ता ऑफिशियल, विकास पीएम, अवनीश राज, अवनीश यादव, कुमनी चौहान, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड़िया यादव है, गुड इवनिंग, राजेंद्र प्रसाद, शिवजी, जितने लोग सेशन पे इस चैनल पे नए हैं ना, एक बार लाइक वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, ठीक है, सब्सक्राइब इसे जरूर कर लीजिएगा ताकि हम और अच्छे से बताएं, ठीक है। देखिए, ये जो ऑक्टाप्लाइड वैरायटी होती है ना, वो विलाई कोलंबन है इसकी, ऑक्टाप्लाइड वैरायटी, मैंगो की जो ऑक्टाप्लाइड वैरायटी है वो क्या है, विलाई कोलंबन, विलाई कोलंबन, जिसका क्रोमोजोम नंबर होता है, क्रोमोजोम नंबर होता है 2n = 80, ठीक है, ऑक्टाप्लाइड। और जब भी कोई भी प्लॉइडी हम डिसाइड करते हैं ना, कोई भी प्लॉइडी लेवल हो, तो प्लॉइडी लेवल हमेशा बेसिक क्रोमोजोम नंबर से डिसाइड होता है। जैसे गेहूं के केस में मैं बताया था कि बेसिक क्रोमोजोम नंबर x = 7, ठीक है, ऐसे क्या होता है 2n = 42, तो इसीलिए वो हेक्साप्लाइड होता है, ठीक है, जिसका 2n = 28 होता है, जैसे ट्रिटकम ड्यूरम हो गया, वो क्या होता है, टेट्राप्लाइड होता है। पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो लोग क्लास हमारी रेगुलर करते हैं उन्हें पता होगा, ये बेसिक क्रोमोजोम नंबर से ही आप निकालते हैं प्लॉइडी, ठीक है। थोड़ा और इसके बारे में, अच्छा, मैंगो का जो एडिबल पार्ट होता है ना, कौन सा होता है मैंगो का एडिबल पार्ट, ठीक है, देखते हैं मैंगो का एडिबल पार्ट क्या होता है, मैंगो का फ्रूट टाइप क्या होता है। तो जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है ना मैंगो का, टाइप ऑफ फ्रूट, फ्रूट, ठीक है, वो क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रूट इसका, वो होता है ड्रूप, ड्रूप होता है, ठीक है। एडिबल पार्ट क्या होता है, एडिबल पार्ट मैंगो का एडिबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट क्या होता है, मीजोकार्प, मीजोकार्प। देखिए मैंगो में क्या खाते हैं, इटली तो खाते नहीं, जो गुठली होती है वो तो खाते नहीं है, ठीक है, सीड कर्नल जो एक तरह से सीड के ऊपर गया, या फिर जो सबसे ऊपर का छिलका है वो भी नहीं खाते हैं, बीच का जो है वही खाते हैं, वही मीजोकार्प एडिबल पार्ट, ठीक है। और क्या है इसका, क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है भाई, क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, इवन ट्रॉपिकल में भी ये ग्रो करता है, टेम्परेट का नहीं है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल है। जैसे इसकी आइडियल टेम्परेचर की बात होगी तो आइडियल टेम्परेचर ही इसका कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल है। आइडियल टेम्परेचर इसके लिए क्या है, मैंगो के लिए, मैंगो प्लांट, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। अब 24 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये सब ट्रॉपिकल का है, जाहिर सी बात है, हालांकि ट्रॉपिकल में भी ये ग्रो होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ट्रॉपिकल में भी, ओके, तो सब ट्रॉपिकल होता है, इसका आइडियल टेम्परेचर ये होता है, ठीक है। मैंगो का और नाम क्या है, तो मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट, और क्या बोलते हैं, बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं इसको, बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइड फ्रूट भी बोलते हैं इसको, ये सभी आप लोग जानते रहे, ठीक है, किंग ऑफ फ्रूट हो गया, बाथरूम फ्रूट हो गया, प्राइड फ्रूट हो गया, सिंबल ऑफ लव भी हो गया, ठीक है, सिंबल ऑफ लव भी हो गया, ओके, गुड। सत्येंद्र भार्गव, गुड इवनिंग। हरवेश साक्य जी, हाँ साक्य जी, बिल्कुल, जितने भी लोग सेशन पर नए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको क्लास के बारे में सारी डिटेल्स मिलती रहे, ओके,
सारी डिटेल्स आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ लव भी बोलते हैं, ठीक है, सिंबल ऑफ लव, ओके, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा और देखते हैं कैसा प्लांट है ये एवरग्रीन। इसका जो वो होता है ना, क्या है, इनफ्लोरेसेंस, वो जरा देख लेते हैं इनफ्लोरेसेंस क्या होता है इसका, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है इसका, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस जो होता है ना वो पेनिकल होता है, पेनिकल होता है, ठीक है। कैसा होता है, पेनिकल होता है। कई जगह आपको एक और नाम मिल सकता है, कहीं हो सकता है, वो भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, लार्ज टर्मिनल, लार्ज टर्मिनल, ओके। इनफ्लोरेसेंस जो होता है या तो पेनिकल या फिर कई जगह आपको लार्ज टर्मिनल भी मिल सकता है। कैसा होता है, मोनोकोटिलेडन की डाइकोटिलेडन, तो डाइकोटिलेडन। बेसिक जानकारी ये आपको, ये बेसिक बेसिक जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। सबसे खास बात डबल स्टार लगा के नोट करना, विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना, 4800 IU, ठीक है। ये कितना होता है, ये विटामिन ए होता है सबसे ज्यादा, विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए। इसके बाद होता है आई थिंक पपाया में 2020 या समथिंग कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ओके। अच्छा एक और चीज मैं बता रहा हूं, एक और इसकी सबसे, जो टेंडर लीव्स होती है ना इसकी, जो एकदम जो कोपले निकलती है, जो कोपले मतलब जो एकदम नई नई पत्तियां निकलती है, टेंडर लीव्स, उसकी सब्जी बनती है। पता है कहां पे, कौन से देश के लोग बनाते हैं टेंडर लीव्स का, टेंडर लीव्स का वो भी लिख लो, टेंडर लीव्स का सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल पर्पज से यूज करते हैं, कौन, जावा और फिलीपींस के लोग, ठीक है, कौन, जावा और फिलीपींस के लोग, ठीक है, फिलीपींस, ये नोट कर लीजिए आप लोग, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है, सभी लोग नोट करते चले इसको। 4800 आयु आपने कमेंट किया है, जी हाँ बिल्कुल। प्रोटीन कितना पाया जाता है सीड कर्नल में, इसके सीड कर्नल में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो लिख लीजिए, सीड कर्नल में प्रोटीन होता है 9.5%, ठीक है छोटू, सीड कर्नल में प्रोटीन जो होता है, एक सेकंड, ठीक है, सीड कर्नल, ठीक है, तो सीड कर्नल में कितना प्रोटीन होता है, सीड कर्नल प्रोटीन 9.5% होता है, ठीक है, सीड कर्नल में प्रोटीन 9.5% होता है, सीड कर्नल में प्रोटीन जो होता है वो 9.5% होता है, ठीक है, 9.5%। जी ऑयल कितना होता है, ठीक है, ऑयल, सीड में ऑयल का परसेंटेज कितना होता है, सीड में ऑयल लगभग 6-7%, ठीक है, 6-7%। ये इतनी जानकारी आप लोग पहले नोट कर लीजिए, बहुत बेसिक बेसिक जानकारी मैं इसीलिए आप लोग को दिया हूं, ठीक है, बहुत बेसिक जानकारी आप लोगों को मैं दिया हूं, सीड में ऑयल कितना होता है, ठीक है, 6-7%, ज्यादा भी हो सकता है इससे, ऐसा नहीं है कि 6-7% पे ही रुक जाए, 6-7% 8% तक, 9-10% तक भी कई जगह मिल जाता है, ठीक है, 9-10% तक भी कई जगह मिल जाता है ये चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, 6-7% या फिर आप ऐसे भी रेंज अगर लिखना है 6-12% तक सीधे लिखिए, मैक्सिमम इतना तक मिल जाता है, ठीक है, अनसर्टेन है थोड़ा सा। इसके लिए पीएच, तो पीएच 5.5-7.5, 5.5-7.5 होता है पीएच, ओके, 5.5-7.5 हो जाता है इसका पीएच। विकास एसपीजी सर हिंदी में क्या बताएं बाबू, हिंदी में बताइए इसमें। देखिए द्विबीजपत्री होता है, ठीक है, पेनिकल, तो पेनिकल ही बोलते हैं इसका, जो पुष्पक्रम होता है वो पेनिकल होता है, ठीक है, जो टेंडर लीव्स जो मैं बता रहा था, जो नई पत्तियां जो आती हैं एक तरह से, वो जावा और फिलीपींस के लोग क्या करते हैं, जावा के लोग और फिलीपींस के लोग सब्जी बना करके खाते हैं, ठीक है। जो सीड होता है ना, बीज, इसका बीज, तो जो बीज के कर्नल जो प्रोटीन पाया जाता है बीज में, जो उसका सीड होता है उसमें लगभग 9.5%, बीज से जो तेल निकलता है वो लगभग कितना, 6-12%। अब इससे ज्यादा हिंदी क्या बताएं बाबू, बताइए आप, जो चीज ना समझ में आप पूछिए, ठीक है, जो चीज ना समझ, गुड़िया यादव किया है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, शेयर कर दिया है तो बहुत सुंदर, शेयर करते रहें इसको, ठीक है, आप सभी शेयर करते रहें। करण सिंह है, ठीक है, अनुज गंगवार सर 11th का क्लास नहीं है,
इलेवेंथ के लिए भी आपके लिए मैंगो तो शायद कृषि वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हालांकि अलग से चैनल भी है उसका, अलग से क्लास है उसकी, ठीक है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का? ठीक है, देखिए कह रहा है कि किस वेराइटी में, ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि किस वेराइटी में। ओके, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि विच वेराइटी ऑफ मैंगो है हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, मैंगो की किस वेराइटी के अंदर सबसे ज्यादा परफेक्ट फ्लावर होते हैं? ठीक है, ओके बताइए, कमेंट करिए। देखिए विच वेराइटी ऑफ मैंगो है हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर, ये फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, ये मैं लिख देता हूं सही से, ठीक है, ये क्या है, फ्लावर है, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, ठीक है। मैंगो की किस वेराइटी के अंदर सबसे ज्यादा परफेक्ट फ्लावर होते हैं? ठीक है, डी चौसा, और कोई? मैं सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूं, ठीक है, और बताइए कोई। देखिए लंगड़ा है, विलाई कोलंबन है, रोमानी है, चौसा है, ठीक है, सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ विशेष प्रॉपर्टी है, ठीक है, सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ कोई ना कोई विशेष प्रॉपर्टी है। वे जो लंगड़ा है इसकी भी कुछ है, विलाई कोलंबन का मैं ऑलरेडी बता दिया, विलाई कोलंबन क्या है, ऑक्टाप्लाइड है, ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्टाप्लाइड होता है, मतलब 2n बराबर 80 होता है, ठीक है, सीधे उठा करके पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये पूछ लेता है सीधे उठा करके क्वेश्चन। अब रुमानी है, चौसा है, चौसा का भी कुछ खास बात है, ठीक है, चौसा में भी एक खास बात है, रुमानी का बताइए क्या है। ओके, कुछ लोगों ने चौसा किया है, कुछ ने बी किया है, किसी ने डी किया है, सभी अलग अलग, बी और डी, कहने का मतलब किसी को बी लग रहा है, किसी को डी लग रहा है, तो बी वाले तो पहले ही देख लीजिए कि बी जो है विलाई कोलंबन ऑक्टाप्लाइड होता है, ठीक है, तो ऑक्टोप्लाइड में एक कैरेक्टर इसका बता दिया। डी वाले चौसा, चौसा कुमनित चौहान ने लिखा है स्वीटेस्ट, बिल्कुल सही लिखा है कुमनित ने, चौसा जो होता है ना स्वीटेस्ट होता है, सबसे मीठा होता है, चौसा जो होता है एकदम स्वीटेस्ट होता है। चलिए भाई दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग और बताएं और ऑप्शन के बारे में बात करें बाकी लोग, ठीक है, चलिए कितने लोग बता रहे हैं, ए ऑप्शन कुमनित ने कमेंट किया है, और कोई, और बताइए कोई, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं, जो लंगड़ा होता है ना इसमें सबसे ज्यादा परफेक्ट फ्लावर होता है लगभग 68.9%, आप इसको चाहे तो 69 लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो 69% अप्रोक्स जो होता है ना परफेक्ट फ्लावर होता है इसमें, इसमें लंगड़ा में, और इसमें रुमानी में सबसे कम होता है 0.79, ठीक है, लगभग 1% से भी कम, ठीक है, परफेक्ट फ्लावर किसमें होता है, रुमानी में होता है, ये परफेक्ट फ्लावर सबसे कम इसमें होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि किसके पास सबसे ज्यादा परफेक्ट फ्लावर है, सबसे ज्यादा की बात किया है, ठीक है, देखिए परफेक्ट फ्लावर सबसे ज्यादा तो किसके पास होता है, लंगड़ा के पास होता है, वही अगर सबसे कम के पास पूछे तो कौन हो गया, रुमानी हो गया। प्रवीण गिरी जी हैं, खुश रहिए, मनीष प्रजापत है, द स्टडी लवर, सेब की तरह रुमानी प्रजाति, ठीक है, और मैं बताता हूं और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, ठीक है, मैं काफी लोग चैनल पर नए लग रहे हैं, ठीक है, जितने लोग नए हैं ना एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे हमारी क्लास के बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मैंगो की एक खास बात होती है कि अगर इसको लो टेम्परेचर पर रखेंगे ना तो इसको क्या होता है, लो टेम्परेचर इंजरी लग जाती है, जैसे 5 डिग्री टेम्परेचर के आसपास अगर ले आएंगे ना, 5 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में, ठीक है, 5 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में, तो इसको लो टेम्परेचर इंजरी लगती है, ठीक है, लो टेम्परेचर इंजरी लगती है साथियों, ठीक है, इसलिए इसको कम टेम्परेचर पे नहीं स्टोर करते हैं, ओके, इसको हमेशा ध्यान रखते हैं। गोविल पटेल जी हैं, गोविल पटेल जी आज मैं आया था क्लास में, आप आए नहीं थे, आपने कल कमेंट किया था कि सर आप नहीं आए थे, आज मैं क्लास लिया, आप नहीं थे। पीयूष सिंह जी हैं, हेलो, स्वाति गंगवार, ओके, ठीक है, कुमनित चौहान, मैं भी नया हूं सर, कुमनित चौहान जी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जितने लोग नए हैं। सर हमारे में आम की खेती नहीं है, अनुज गंगवार की खेती है नहीं, अर्पित गुज्जर, कोई बात नहीं, आम की खेती आपके यहां भले नहीं है, आपके सिलेबस में भले ना हो, लेकिन कंपटीशन में तो आम की खेती है, कंपटीशन में ये नहीं कहता है कि आम की खेती नहीं होगा या फिर अमरूद की खेती या फिर पपाया की खेती नहीं पूछेगा, वो तो हर जगह से पूछेगा, तो
तो मैं जितना बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ले रहा हूं, ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, आप लोग नोट किया करिए इसको, ठीक है। सभी साथियों से निवेदन है इसको हमेशा आप लोग नोट करते रहें। अर्पित गुज्जर जी, जय श्री राम आपको, हर हर महादेव सभी को, ठीक है। तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, गोविल पटेल जी, ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ऐसे ही क्लियर करते चलेंगे एक एक क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस शानदार क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, सभी लोग बताएं, ठीक है। देखिए कह रहा है मैंगो हाइब्रिडाइजेशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाई, सबसे पहले मैंगो का हाइब्रिडाइजेशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ठीक है, आपके पास देखिए चार ऑप्शन है, ओके, आर एन सिंह है, और क्या है, उडहाउस है, चीना एंड धामी है, बंस एंड प्रयाग है, ठीक है। तो आप बताइए सभी लोग फटाफट फटाफट कमेंट करिए, फटाफट मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, ठीक है, ओके। तो चीमा एंड धामी ने, चीमा एंड धामी ने क्या दिया था, तो चीमा एंड धामी ने स्पॉन्जी टीसू दिया था, ठीक है, स्पॉन्जी टीसू दिया था। मैं एक एक धीरे धीरे आपको मैं बताता हूं, ठीक है, इलेबोरेट करता हूं। स्पॉन्जी टीसू कौन दिया था, चीमा एंड धामी ने दिया था। उडहाउस ने क्या दिया था, बहुत शानदार ये है, ये बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा और हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं लोकल भाषा में, काफी लोगों ने कहा सर हिंदी में बताया, आम का ब्लैक टिप या कोपलासी या कोयलसी रोग, ठीक है, कोपलासी या कोयलसी रोग इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं देखें एक मिनट, आप सभी लोग कमेंट करें, आप क्या लोकल में इसको क्या बोलते हैं बताइए। देखिए ए और बी आने लगा, सी और डी मैं बता दिया हूं, बाकी ए और डी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक तो होगा ही, चारों में से कोई एक तो होगा ही, तो मैं जो बता देता हूं उसके अलावा आप लोग कमेंट कर देते हैं। असित वर्मा जी ने लिखा है बंस एंड प्रयाग, किंग साहब हेलो, ट्वेल्थ में यूपी कैटेट पेपर के लिए। अर्पित गुज्जर जी आपके लिए देखिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, गुज्जर जी 11th का एक अलग, 11th 12th का चैनल है, मैं पर डे क्लास में बताता हूं, ठीक है, 11th 12th का एक तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11th 12th का एक अलग से चैनल चल रहा है, वहां 5 घंटे क्लास चलती है शाम को 4 से 9 PM, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, ओके, वहां पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। कोयलिया रोग, कोयलिया रोग रविंद्र कुमार रवि कुमार ने बताया है, जी बिल्कुल, कोयलिया कोपलासी कोयलसा जो भी आप समझ लीजिए, तो ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है, किसके कमी से होता है वो भी बताइए। अच्छा डॉक्टर आर एन सिंह ने क्या दिया था, तो डॉक्टर आर एन सिंह ने कैगिंग टेक्निक दिया था, ठीक है, कैगिंग टेक्निक होता है हाइब्रिडाइजेशन का एक, उसी को इन्होंने दिया था, ठीक है, कैगिंग टेक्निक होता है, तो कैगिंग टेक्निक कौन दिया था, तो कैगिंग टेक्निक जो है ना डॉक्टर आर एन सिंह ने दिया था, और बच गया मैंगो हाइब्रिडाइजेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय, तो सबसे पहले कौन स्टार्ट किया था मैंगो का हाइब्रिड, बंस एंड प्रयाग साहब ने किया था, ठीक है, बंस एंड प्रयाग ने किया था। तो जरा ब्लैक टिप ऑफ मैंगो को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, उदय ठाकुर जी नमस्ते, उदय ठाकुर जी, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ओके, देखिए जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है ना, तो हिंदी में कोपलासी कोयलसा जो भी समझ लीजिए, कोपलासी कोयलसा कोयलिया, कोपलासी हो गया, कोयलसा हो गया, कोयलसा अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से, ठीक है, कोयलसा कोयलिया ये सारे इसको बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोयलिया रोग, ये सब कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, ये किसके वजह से होता है, ठीक है, तो ये किसके वजह से, देखिए ये बेसिकली बोरान की डिफिशियंसी से होता है, किससे, बोरान के डिफिशियंसी से होता है, बोरान के डिफिशियंसी से, हिंदी में देखिए एक एक चीजें हम लिख रहे हैं इसीलिए, ठीक है, और बताइए इसके अलावा भी कुछ होता है, बताइए और किसके वजह से होता है, ठीक है, और बताइए इसके अलावा, इसके अलावा और क्या वजह होता है, इसके अलावा जो होता है ना ब्रिक किल्न भट्ठा, ठीक है, भट्ठा जो होता है ब्रिक किल, ठीक है, ब्रिक किल, ब्रिक किल जो भट्ठे के पास जब भी कोई चीज होती है ना, भट्ठे के पास, भट्ठे के पास रहती है तब लगभग होती है, ठीक है, ओके, ओके, और देखिए
और देखिए ब्रिक किल्न के पास होता है, मतलब जब भी ईंट भट्टे के आसपास में ये रहेगा, ठीक है, ईंट भट्टे के आसपास में जब भी इसको लगाया जाएगा या रहेगा तो उसमें क्या होगा, हाँ तो उससे क्या निकलता है बेसिकली, किसके वजह से बताइए, तो उससे बेसिकली क्या निकलता है, SO2, ठीक है, और फिर कह सकते हैं CO2, CO, इन सब के वजह से, ठीक है। इसलिए करते क्या है कि ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में, भट्टे से ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में भट्टे से कम 1.6 किलोमीटर की दूरी रहनी चाहिए, ठीक है, और वही नॉर्थ और साउथ के, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में करीब करीब 0.8 किलोमीटर की दूरी रखते हैं, ठीक है, 0.8 किलोमीटर की दूरी रखते हैं, ठीक है। तो ये कोएल दिया रोग, कोएल सी रोग जो भी था, ठीक है, और ये जो हो गया स्पॉन्जी टिश्यू चीमा एंड धामी ने, ठीक है, चीमा एंड धामी ने, चिमनी से निकलने वाली स्मोक, हाँ ठीक है, सभी सही था। अच्छा स्पॉन्जी टिश्यू के रेजिस्टेंस कुछ वेराइटी भी है, ठीक है, जैसे कि अर्का अरुणा हो गया, अर्का अरुणा लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, अर्का अरुणा हो गया, अर्का पुनीत हो गया, अर्का पुनीत हो गया, ठीक है, ये सब स्पॉन्जी टिश्यू और भी है बहुत सारी, फिलहाल ये जो दोनों दिमाग में है मैंने बता दिया, ठीक है। संजीव पांडे ने लिखा है भट्टे से चिमनी से निकलने वाली स्मोक CO2 के कारण, फिर क्या है भट्टे से निकलने वाले SO2 के कारण, मोस्टली SO2 के कारण, हाँ ठीक है, SO2 है, CO भी है, तभी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मोस्टली SO2 होता है, बिल्कुल सही बात है, बट चिमनी से ब्रिक किल्न से जो भी निकलते हैं गैसे उनकी वजह से होता है, इसलिए उससे दूर रखते हैं, ठीक है। गोविल पटेल CO2 कारण, चलिए सही, गोविल पटेल जी आज आप आए नहीं थे, बताइए कल आप हमें बुला रहे थे, आज मैं आया, आज आप आए नहीं थे, आपने बताया नहीं वजह क्यों नहीं आए थे, आज आप एबसेंट थे, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट, ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या है, ठीक है। हाँ रूमानी को जो है दशहरी के ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वो तो किसी ने कमेंट किया है, बिल्कुल बिल्कुल सही किया है जिसने भी कमेंट किया है, ठीक है, रूमानी को दशहरी के ड्वार्फिंग इफेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है, ये सही बात है, ठीक है। एक और सबसे खास बात कि मैंगो जो होता है ना, ठीक है, मैंगो में क्या होता है, फास्फोरस की डिफिशियंसी वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पोटास की डिफिशियंसी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, ओके, फास्फोरस की डिफिशियंसी, फास्फोरस की डिफिशियंसी को टॉलरेट कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है, लेकिन पोटास की डिफिशियंसी को, पोटेशियम की डिफिशियंसी को नहीं कर सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा चीज है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वेराइटी ऑफ मैंगो हैज, ठीक है, विच वेराइटी ऑफ मैंगो हैज हाईएस्ट TSH, ठीक है, बताइए, कौन बताएगा, विच वेराइटी ऑफ मैंगो हैज हाईएस्ट TSH, ठीक है, ओके, देखिए चार है, जेवियर है, निरंजर है, नीलम है, लाल सिंदूरी है, ठीक है, लाल सिंदूरी है, ओके, मल्लिका, सर स्पॉन्जी टिश्यू का पैथोजन, पैथोजन का तो अभी तक मैंने नहीं सुना है कोई, अभी तक मेरे नॉलेज में कोई पैथोजन नहीं है बाबू, ठीक है, रविंद्र कुमार स्पॉन्जी टिश्यू का पैथोजन, बाबू देखो अभी तक मेरे नॉलेज में स्पॉन्जी टिश्यू का पैथोजन नहीं है, अगर रहता तो मैं जरूर बताता, बाकी अगर आपको लगता हो कि अगर किसी पैथोजन से होता है तो आप जरूर बताएं। विशाल पाल CSA एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर, निरंजन, आज सारे ऑप्शन ए वाले ही हैं क्या, सौरभ साग डी, असित वर्मा, जेवियर, विशाल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, वाह एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, बिना रिसर्च किए कमेंट किया है बाबू विशाल आपने, विशाल जी आपका नाम है विशाल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, और थोड़ा रिसर्च कर लिए होते उसके बाद से कमेंट करते। विच वेराइटी ऑफ मैंगो है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैंगो की किस वेराइटी में सबसे ज्यादा TSS होता है, TSS क्या होता है बताइए, TSS ही बता दीजिए कम से कम क्या होता है,
ये जो टीएसएस होता है ना, बी 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 ए डी कुमनित चौहान, आज सारे ऑप्शन ए वाले ही हैं क्या? कुमनित, कुमनित कह रही है कि सारे ऑप्शन ए वाले हैं क्या? अच्छा टीएसएस क्या है? टीएसएस टोटल सॉल्यूबल सॉलिड है, ठीक है ठीक है। ब्रिक्स रेशियो जैसे ऐसे जो जेवियर है ना, जेवियर, जेवियर में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 24.8 होता है, 24.8, ठीक है। कितना होता है जान लो, सबसे ज्यादा किसमें होता है? इसी में होता है। निरंजन कैसी है? निरंजन और आई थिंक मधुलिका, ये दोनों ऑफ सीजन वेराइटी है, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ सीजन वेराइटी है, ठीक है। एक और नाम इसके साथ नोट कर लो यहां पे, रोजिका आम की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, रोजिका आम की जो है ना, ये म्यूटेंट वेराइटी है। देखिए काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं काफी लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है फिलहाल, तो कोई बात नहीं, जिनका पढ़ता हूं उनका रिप्लाई जरूर कर देता हूं, ठीक है। म्यूटेंट वेराइटी, बिल्कुल आप लोग लेकिन सही रिप्लाई दे रहे हैं काफी लोग का, हालांकि इसमें गलत बताया सभी ने, बहुत कम लोगों ने ए बताया, मोस्टली डी वगैरह बता रहे थे। ये म्यूटेंट वेराइटी है रोजिका जो है, आम की म्यूटेंट वेराइटी। कैसी वेराइटी है रोजिका? म्यूटेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल ट्रिपल चार पांच स्टार लगा के नोट कर लेना, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है? नीलम है और लाल सिंदूरी है, ठीक है, और दो चीजें हैं, नीलम है और लाल सिंदूरी है, बढ़िया है ये भी दोनों। इन दोनों के बारे में भी आप लोग बताइए, टोटल सॉल्यूबल। नताल्या नहीं है, नहीं सर, नताल्या क्या होता है भाई बताइए फटाफट, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं। ओके नीलम हो गया, लाल सिंदूरी हो गया। लाल सिंदूरी के बारे में बताइए, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगा आप लोगों को, किसी को पता है तो बताइए। लाल सिंदूरी की सबसे खास बात, जो लाल सिंदूरी वैरायटी है ना, सबसे खास बात यह है कि पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट होती है। कैसी होती है? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट होती है, पाउडरी मिल्ड्यू, मिल्ड्यू के लिए क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। नीलम शंकर प्रजाति है जी, और कुछ? अच्छा आप लोगों को पता है मल्लिका किसका किसका क्रॉस है? मल्लिका, मल्लिका, मल्लिका किसका किसका क्रॉस है, किसी को पता है बताइए, मल्लिका किसका किसका क्रॉस है फटाफट। देखिए मल्लिका के लिए हमेशा एक ट्रिक है, एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा बढ़िया, कि मल्लिका नाम की लड़की एनडी में जाती थी, एनडी नरेंद्र जो यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, तो याद करने के लिए आप एक ट्रिक रख सकते हैं कि मल्लिका नाम की लड़की एनडी में पढ़ने जाती थी, ठीक है। एन से क्या हो गया? नीलम डी से दशहरी, ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं नीलम गुड़े दशहरी, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। काफी लोगों ने कमेंट किया जी बिल्कुल सही है, ठीक है। मल्लिका नाम की लड़की एनडी में पढ़ने जाती थी, कहां जाती थी? एनडी में। उमनी चौहान सारे ऑप्शन जी बिल्कुल ए वाले, तो काफी सारे ऑप्शन हैं आज। आज असल में क्या है कि मैं जब क्वेश्चन पेपर बना रहा था तो मतलब आगे का तो नहीं पता, लेकिन मोस्टली मैं पहले ही रख दिया था, तो इस वजह से ऐसा हो गया होगा, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि हुआ हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या कहना चाहता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट काफी सारे, एग्रीकल्चर आज काफी सारे अच्छे लोग जुड़े हैं, ठीक है। एक बार आप लोग लाइक वाली बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, लाइक वाली बटन दबा के, और चैनल पर जितने लोग नए हैं ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ठीक है। बाबू माझा बनाने के लिए, देखो मोस्टली वो तो लिखा भी रहता है अल्फांसो से बनता है, और अल्फांसो जो होता है ना, अल्फांसो, ये जो अल्फांसो है, अल्फांसो को किंग ऑफ मैंगो बोलते हैं, किंग ऑफ आम में जो राजा होता है अल्फांसो को ही बोलते हैं किंग ऑफ मैंगो, और मैंगो से ही ये बेसिकली, इसी अल्फांसो से ही बेसिकली ये सब बनता है, ठीक है। सिंधु सीडलेस होता है बाबू, सीडलेस वैरायटी सिंधु, कमेंट किया अच्छे, ये चीज आप लोग कमेंट कर रहे हैं, सिंधु अब समझ में आया,
नहीं ठीक है, बहुत शानदार, आप लोग ऐसे कमेंट। अच्छा ठीक है, जितने लोग नए हैं ना एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देखिए हमारा टारगेट है इस बार 40,000 40K पहुंचाना 31 दिसंबर तक, ठीक है 31 दिसंबर तक। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लास दे रहे हैं, आप इतना करिए हमारे लिए या आप हमें 40,000 पे पहुंचा दीजिए। 8 दिन का समय है, 9 दिन का आपके पास, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके साथ हमारी रीच बढ़ती रहे, ठीक है, इजीली हम आप तक पहुंच जाए। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं बाबू, आप लोग अपना नाम भी लिख लिया करिए, हालांकि ठीक है कैसे भी जुड़े हैं कोई बात नहीं, हम देखते हैं बेसिकली हमें नाम से क्या लेना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मैंगो की ऐसी वेराइटी ना जिसका एप्पल सेप का फ्रूट होता है, एप्पल सेप का फ्रूट कैसा होता है, एप्पल सेप का सेप उसका कैसा होता है, सेब जैसा, एप्पल सेप, ठीक है। एप्पल सेप का जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, उसका नाम है रूमानी, ठीक है। अब देखिए सिंधु, इतनी सारी वैरायटी लिखी हुई है, आप देखिए सिंधु क्या है, जरा देखते हैं सिंधु को, जरा देखिए सिंधु तो सीडलेस है ना, कितने लोगों को लग रहा है कि सिंधु सीडलेस है। मल्लिका, मल्लिका किसकी किसकी क्रास है, जरा देखते हैं सभी का क्रास देखते हैं कौन किसका क्रास है। तो मल्लिका नाम की लड़की कहां पढ़ती थी, एनडी में, एन से क्या हो गया नीलम, गुड़े क्या हो गया दशहरी, दशहरी ठीक। आम्रपाली का क्या हो जाएगा, आम्रपाली, बताइए कितने लोग बताना चाहते हैं, आम्रपाली का भी बताइए, ठीक है, रत्ना का भी बताइए, ठीक है, आम्रपाली का डीएनए, डीएनए दशहरी गुड़े नीलम। देखिए मैं ट्रिक बता देता हूं थोड़ा थोड़ा अभी आप लोगों, बस आप लोग पहले जान लीजिए फिर मैं ट्रिक बताता हूं। दिसंबर के बाद नहीं पढ़ाओगे क्या सर, बिल्कुल पढ़ाएंगे, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, अनवरत ये चलता रहेगा, अखंड चलता रहेगा, देखिए कब तक चलता है। आप लोग अगर सहयोग और सपोर्ट करते रहे तो इतना समझ लीजिए कि ये शुरू हो गया, बंद होने का नहीं पता है कब बंद होगा, शायद बंद ना हो, शायद अखंड चलता रहे ऐसे ही, साल दो साल चार साल पांच साल आठ साल दस साल, ईश्वर चाहे तो सैकड़ों साल तक चलता रहेगा। हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई और पढ़ाएगा, कोई और नहीं कोई और पढ़ाएगा, लेकिन ये चलता रहेगा, ठीक है। तिवारी सर एग्रीकल्चर के फील्ड में जो क्रांति ला रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना समझ लीजिए कि ये हमेशा चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, बस आप लोग प्यार दुलार और सपोर्ट बनाए रखिए, और कुल मिला जुला के आप सभी लोग सिलेक्शन लीजिए, ये सिलेक्शन ही आपके लिए हमारे लिए प्यार है, ठीक है, आपका सिलेक्शन ही हमारा प्यार है, हमारा सपोर्ट है, हमारा मोटिवेशन है। हाँ बस यहां जुड़ा करिए तो एक बार लाइक वाला बटन दबा दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, और सेशन को शेयर जरूर कर लिया करिए आप अपने मित्रों से, ठीक है, शेयर जरूर कर लिया करिए। अब देखिए क्या है, हाँ ठीक है बिल्कुल बढ़िया है, सभी बढ़िया जा रहे हो, तो देखो क्या है दशहरी का क्या है, डीएनए, डीएनए दशहरी गुड़े नीलम आम्रपाली हो गया, ठीक है। रत्ना का क्या है, नीलम गुड़े अल्फांसो, रत्ना का तो यही है ना, क्या है आरएनए, नीलम गुड़े अल्फांसो, नीलम गुड़े अल्फांसो, अल्फांसो, और इसका क्या है सिंधु का, सिंधु का है रत्ना गुड़े एस आर ए, हाँ ठीक है सिंधु का है रत्ना गुड़े अल्फांसो। देखिए मैं आपको सभी का ट्रिक लिखवा देता हूं, ठीक है, सभी का ट्रिक बता देता हूं, ओके, ये ट्रिक हमेशा आपके काम आने वाला है, ठीक है, रत्ना गुड़े अल्फांसो, ओके। और सबसे खास बात ये होती है ना, सबसे खास बात ये होती है ना कि लगभग सिंधु में लगभग 3 ग्राम के आसपास जो होता है ना, 3 ग्राम के आसपास की इसकी गुठली होती है, जो गुठली होती है ना सीड गुठली, ऐसा नहीं कि एकदम गुठली होती ही नहीं है, वो न के बराबर, जिसको कह लो नेग्लेजिबल, गुठली जो होती है लगभग 3 ग्राम के आसपास होती है, ठीक है। और जो आपका वो है क्या बोलते हैं, जो पल्प है, पल्प जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो होता है लगभग 80 ग्राम के आसपास, लगभग 76-77 मान लो, 76 ग्राम के आसपास लगभग, एक मैं बेसिक वो बता रहा हूं, 76 जैसे मान लो अगर 100 ग्राम का एक फ्रूट है या 80-90 ग्राम का कोई फ्रूट है तो उसमें 76 ग्राम क्या होगा, लगभग 76 ग्राम आपका अगर पल्प होगा 3 ग्राम की गुठली होगी। कुल मिला जुला के एक स्टैंडर्ड रेशियो बता दे रहा हूं, 26:1 होता है, किसका रेशियो होता है 26:1 किसका होता है, फ्रूट के पल्प का और सीड का, ठीक है, पल्प का और सीड का जो रेशियो होता है ना 26:1 होता है, देख लो ये क्या है, ये पल्प है PULP, और ये क्या है सीड है, पल्प और सीड का जो रेशियो है
वो क्या है 26:1 है, ये हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूं। 85% गुद्दा होता है। हाँ ठीक है, ठीक ही जा रहा है। आईसीआर के लिए क्लास ले सकते हैं? जी हाँ, आईसीआर के लिए बिल्कुल ले सकते हैं आप क्लास। आईसीआर के लिए आप किस सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं ये मैटर रखता है। अगर प्लांट साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो प्लांट साइंस के लिए आप पढ़िए, प्लांट साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो जब हम पढ़ाते हैं आप पढ़ा करिए। अगर आप हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर का ले रहे हैं वो पढ़िए। जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं आप उसके लिए प्लांट साइंस, मतलब आईसीआर का तो स्पेसिफिक होता है ना, तो स्पेसिफिक के लिए आप करिए, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। देखिए इतना जान जाइए बाबू, ज्ञान कभी ना कोरा नहीं जाता है, कभी फीका नहीं जाता है। कोई भी चीज पढ़ लीजिए, पढ़ी हुई हर चीज काम आती है, कहीं ना कहीं काम आती है, आ ही जाती है काम, ठीक है। इसलिए पढ़ाई मन से करिए, कोई भी चीज पढ़ाया जाए उसको जरूर पढ़िए, ठीक है। पढ़ने में कभी भी कोई भी कोताही आप लोग ना करिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो मैं बता ही दिया आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। ठीक है, विजय राजपूत जी हैं सर आईसीआर के लिए, जी बिल्कुल आईसीआर के लिए है, ठीक है। अच्छा एक वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन, ठीक है, एक वैरायटी होती है बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन क्या होती है, एक वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन, ठीक है। ये वैरायटी का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा ऐसे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की बहुत पुरानी वैरायटी है, नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की, ठीक है, उत्तर भारत की। इसका एक नाम और बताना चाहता हूं मैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, उत्तर भारत की बहुत पुरानी वैरायटी है। और इसी वैरायटी को ना, इसी वैरायटी को यूपी में मालदा कहते हैं, ठीक है, और दिल्ली में सहरौली कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूपी में मालदा बोलते हैं, मालदा, और दिल्ली में सहरौली बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कभी हो सकता है पूछ दे। ये दिल्ली में बोलते हैं, ठीक है, और ये यूपी में बोलते हैं। यूपी में क्या बोलते हैं, मालदा बोलते हैं, दिल्ली में सहरौली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ट्रिक नहीं बताया, अच्छा हाँ ट्रिक बता दें आप लोगों को। देखिए भाई बिल्कुल आपने सही याद दिला दिया, देखिए इधर बताने के चक्कर में हम भूल गए थे, इधर देख लीजिए ट्रिक, यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ बताते हैं, सभी के आगे दूसरे कलर से ही सीम बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत सही आपने याद दिलाया है, ठीक है। सर यूपी कैडेट एडमिशन फीस कितनी होती है? देखिए हालांकि इस क्लास में तो क्लास से रिलेटेड आप लोग पूछा करिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, यूपी कैडेट में अगर आपको एडमिशन लेना है एमएससी में, तो एमएससी की एडमिशन फीस स्टार्टिंग में लगभग 30,000 के आसपास, 31,000 के आसपास होती है सिर्फ यूपी कैडेट की, एक सेमेस्टर की एडमिशन की फीस, ठीक है। 5-6 हज़ार हॉस्टल की होती है, और कुल मिला जुला पहले सेमेस्टर में लगभग 50,000 आपका खर्च लग जाता है, सिक्योरिटी मनी भी देना होता है, हॉस्टल वॉस्टल भी देना होता है। पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेंगे तो और ज्यादा लगता है, ठीक है। एमएससी के लिए मैं ये जो बताया हूँ, लगभग एमएससी के लिए पहले सेमेस्टर में 50,000 के आसपास मान लीजिए टोटल लग जाता है, 31,000 के आसपास आपकी फीस, 4-5 हज़ार हॉस्टल का, 10,000 सिक्योरिटी मनी, 5,000 आपका जो काउंसलिंग कराते हैं काउंसलिंग फीस, ये सब लग जाता है। इसके लिए जब आपका यूपी गेटेड का एग्जाम होगा बाबू ना, तो सारा डिटेल दिया जाएगा, ठीक है, सारा डिटेल दिया जाएगा। विजय राजपूत सर मेरी यूपी गेटेड में रैंक 834 थी, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं बाबू, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करिए और अच्छा कर सकते हैं। देखिए ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक, देखिए इसमें जो ट्रिक है ना, जो बहुत कॉमन कॉमन नाम है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ध्यान ये रखना है कि बस जो जिस तरीके से ट्रिक बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको बोलना है। अगर इस सीक्वेंस में चले ना, जैसे इसको देखो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख के आपको दिखा रहे हैं, जैसे एआरएस तभी जानते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में सभी एआरएस का नाम जानते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर हम लिख दें एआरएस, ए आर एस, ए से क्या हो गया अल्फांसो, आर से क्या हो गया रत्ना, एस से क्या हो गया सिंधु, मतलब अल्फांसो गुड़े रत्ना क्या हो गया सिंधु हो गया ए आर एस, ठीक। मल्लिका, ये तो मैं बता ही दिया हूं, मल्लिका नाम की लड़की, लिख लो ये भी, लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, मल्लिका नाम की लड़की एनडी में पढ़ती थी, मल्लिका नाम की लड़की, ठीक है, लिख लो, ये हमेशा याद रहेगा इसमें, क्योंकि हमेशा लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जब भी कंफ्यूज हो, मैं भी देखो पहले कंफ्यूज, फिर ट्रिक बनाया, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होता है। मल्लिका नाम की लड़की कहां पढ़ती थी, एनडी में पढ़ती थी, पढ़ती थी, पढ़ती है, जो भी कह लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आम्रपाली, तो आम्रपाली में क्या है, एन से क्या हो गया इसमें, एन से नीलम, डी से दशहरी, ये ए से अल्फांसो, आर से रत्ना, ठीक है, ये है ना ए आर एस। अरे भाई कहने का मतलब ये दिख रहा है ना, रत्ना गुड़े अल्फांसो, या फिर तुम सीधे इसको ऐसे कर लो ना, सीधे ऐसे लिख लो, छोड़ो इसको, तुम ऐसे लिख लो भाई, आम का रस होता है ना रस, तो बस वही लिख दो रस, हिंदी में लिख लो रस,
अंग्रेजी में लिख लो आर ए एस, ऐसे सीधे लिख लो ना, कंफ्यूज ही नहीं हो गए। रत्नागुड़े अल्फांसो बराबर सिंधु, हो गया कहानी खत्म इसकी। रस पीते हो ना, आम का रस बनाते हैं ना, शरबत रस जो भी बोलते हैं, मैंगो पल्प थोड़ी शुद्ध अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं तो ठीक है, ओके। तो रस आर ए एस ये हो गया कि मल्लिका नाम की लड़की एंडिम पढ़ती थी। इसका क्या हो गया, देखो डीएनए, डीएनए इसका तो सीधे हो गया डीएनए, डीएनए ठीक है। और इसका देखो, इसका चाहो तो आर एन ए बना सकते हो, रत्ना बराबर नीलम गुड़े अल्फांसो। ये ध्यान रखना है बस किस सीक्वेंस में बना रहे हो, हमेशा सीक्वेंस ध्यान रखना चाहिए। ये तो देखो सीधा है, रत्ना गुड़े अल्फांसो बराबर सिंधु, ठीक है, और सिंधु बराबर लिख सकते हो ना, रत्ना गुड़े अल्फांसो बराबर सिंधु हो गया। ये क्या हो गया, नीलम गुड़े अल्फांसो बराबर रत्ना हो गया, डीएनए दशहरी बराबर, सॉरी दशहरी गुड़े नीलम बराबर क्या हो गया, अमरपाली हो गया, ठीक। और क्या बचा, मल्लिका नाम की लड़की एंडिंग पढ़ती थी, ये हो ही गया, ठीक है। नितिन कुमार बाबू तैयारी तो बिल्कुल आईसीआर के लिए, क्या यूजी के लिए या पीजी के लिए? नितिन कुमार जी आईसीआर किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, प्लांट प्लांट साइंस से करना चाहते हैं या फिर सोशल साइंसेस से करेंगे या किससे करेंगे, ये तो बताइए। अभिषेक जी ने लिखा है कि जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी, कोई बात नहीं, जानकारी तो देना हमारा काम है। ये किसने बोल दिया कुमनिक चौहान जी कि ज्यादा डीप नहीं आता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ज्यादा डीप नहीं आता है। आप देख लीजिएगा, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, बीएचयू और यूपी कैटेड, बीएचयू का पेपर जब हम देते हैं ना 120 क्वेश्चन का, तो 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन प्लस रहने पे सिलेक्शन होता है, और यूपी कैटेड का जब हम पेपर देते हैं तो 200 क्वेश्चन रहता है और 100 क्वेश्चन पे अच्छी रैंक आ जाती है, 110 120 क्वेश्चन जो लड़का कर देता है उसकी टॉप 50 में रैंक आ जाती है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि कैसा पेपर होता है यूपी कैटेड का, कैसा होता है बीएचयू का, ठीक है। ध्यान रखिए सर सीएससी के लिए कितना रैंक होना चाहिए। पटेल जी ऐसा है कि आप मिलिए, आप यहां पे हैं, आप मिलिए फिर मिल के बात करिएगा, बाकी यहां अभी फिलहाल बता लेने दीजिए, ठीक है। यूजी एग्रीकल्चर, यूजी एग्रीकल्चर का धुआंधार बैच चल रहा है बाबू, ठीक है, यूजी एग्रीकल्चर का बैच बहुत धुआंधार चल रहा है नितिन जी, नितिन कुमार जी, ओके। तो यूजी एग्रीकल्चर का तो कोई बात ही नहीं है, बहुत धुआंधार बैच चल रहा है, कम से कम बहुत ज्यादा बैच चल रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं, वहां पे आईसीआर की तैयारी ऑलरेडी हो रही है, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, तीन तीन चार चार बैच चलता है, आप बिल्कुल आ सकते हैं नितिन कुमार जी, ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं और क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है, रेगुलर बियरिंग वेराइटी ऑफ मैंगो इज, बहुत सही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आम की रेगुलर बियरिंग वेराइटी की बात कर रहा है, ठीक है, आम की रेगुलर बियरिंग वेराइटी के बारे में बात कर रहा है। बताइए आप लोग, आप सभी लोग बताइए, कमेंट करिए फटाफट, जितना भी आपके पास ज्ञान है यहां रखिए, ठीक, फटाफट सभी लोग बताइए आम की रेगुलर बियरिंग वेराइटी, ठीक है। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। अभिषेक पंडित सर ऑनलाइन बैच कैसे ले सकते हैं? अभी तो नहीं ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, आगे इस पे विचार किया जाएगा, फिलहाल आप ये जो क्लास करा रहे हैं आप ये क्लास करते रहिए, ठीक है, फिलहाल तो मैं नहीं अभी कुछ कह सकता। विशाल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, आपने रिसर्च किया है लग रहा है, विशाल जी आपने रिसर्च किया है इस बार, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, फिलहाल जो मैंगो के प्रोपागेशन का जो कॉमर्शियल मेथड है ना, कौन सा होता है बताइए, एक क्वेश्चन है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ मैंगो, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ मैंगो, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ मैंगो, ये भी आप लोग कमेंट करें, ओके। विशाल जी ने रिसर्च कर दिया है, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन वाले सभी सही हैं मित्र, ठीक है, डी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया है ना, डी ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया है वो बिल्कुल सभी सही जा रहे हैं, ठीक है। इसका देखिए क्या है, जो नीलम है, ठीक है, चाहे तोतापुरी है ये, तोतापुरी या फिर हिमसागर या फिर पेरी, ये सभी जो है ना, ये सभी क्या है, रेगुलर बियरिंग,
रेगुलर, अच्छा रेगुलर बियरिंग और अल्टरनेट बियरिंग समझ रहे हैं। आम की एक खास बात होती है, खास बात ये होती है, ये होती है आम की खास बात कि आम में फसल एक साल आता है, ठीक है, आम में फसल एक साल आता है, ठीक है, तो अगले साल नहीं आता है। मतलब ये हो गया कि अगर इस साल आया फसल तो फिर अगले साल नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब एकदम ब्लैंक नहीं हो जाता है, बहुत कम आता है, न के बराबर, दो चार दस बीस पौधे पर फ्रूट आ गया तो आ गया, ठीक है, इस साल आया, इस साल ना आया, फिर इस साल आया, फिर इस साल ना आया, ऐसे ब्लैंक चलता रहता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है आम का पैटर्न, ठीक है। आम की एक वो होती है, तो ये जो वैरायटी है इसमें ऐसा नहीं होता है, इन वैरायटी में हमेशा क्या होता है, हर साल फ्रूट आता है, नीलम हो गया, तोतापुरी हो गया, हमसागर हो गया, पेरी हो गया, इस सभी एक दो और वैरायटी, ऐसा नहीं यही है, लेकिन फिलहाल ये जो चारों हमने लिया है इन चारों में आता है, ठीक है। साउथ की वैरायटीज रेगुलर बियरिंग होती है, जी बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल वेरी गुड, साउथ की वैरायटी, तो किसी ने बताया नहीं, गोविल पटेल जी ने लिखा है वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है जी बिल्कुल, वीनियर ग्राफ्टिंग, और अभिषेक पंडित ने भी लिखा है, ये जो वीनियर ग्राफ्टिंग, विकास पाल ने भी लिखा है, नीलकंठ जी ने भी लिखा है, काफी ऊपर तक अभी लोग लिखे हैं, काफी नीचे आ गया था, कमेंट इतना ज्यादा आ रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुमनित चौहान ने भी बताया है वीनियर ग्राफ्टिंग, बिल्कुल आप सभी सही बताए हैं मित्र, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, वीनियर ग्राफ्टिंग जो होता है ठीक है, तो क्या होता है ये वीनियर ग्राफ्टिंग जो होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, वीनियर ग्राफ्टिंग आप लिख लीजिएगा, हालांकि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वीनियर ग्राफ्टिंग ये लिख सकते हैं आप, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी होता है मैंगो में, कॉमर्शियल पर्पज से होता है, लेकिन मोस्टली यही होता है, ठीक है, और ये जो होता है ऑल होता है। अच्छा एक और चीज बताइए कि जो मैंगो का जो फ्रूट होता है ना, मैंगो में सॉरी जो फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स, तो कितने परसेंट फ्लावर ऐसे होते हैं जो लास्ट तक पौधे पर टिके रह जाते हैं, जब आप देखते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या मोर आना, मतलब ऐसे बोलते हैं जो फ्लावर्स आते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं मोर आना उसके, ठीक है, मोर आना, तो जो मैंगो के जो फ्लावर्स आते हैं बहुत ज्यादा देखते हैं, पूरा पौधा भर जाता है ब्राउन ब्राउन, लेकिन जब पेड़ बनते हैं ना, तो पेड़ बताइए, बहुत पेड़ में मतलब जब फल बनते हैं ना, तो बहुत कम बनते हैं, बहुत ज्यादा कम, तो बताइए ये क्या मतलब, कैसे कितने होते हैं, मतलब मान लीजिए फूल जितना आया, उस फूल का कितना परसेंट फूल लास्ट तक टिका रह जाता है, कोई बताएगा, जान लीजिए 0.1% फ्लावर से ही फ्रूट तक पहुंच पाते हैं जितने पौधे, ठीक है, जितने आते हैं, जैसे कि अगर अगर 1000 फूल आया सपोज, हालांकि ये तो मैं 1000 तो समझ लीजिए कि एक ब्रांच के एक छोटे से साइड में आ जाता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए ले रहा हूं, तो अगर 1000 फूल आया तो मैच्योर होते होते लास्ट में, ठीक है, अगर 0.1% इसका निकालेंगे, जैसे 1% निकालना हो तो 1/100, 0.1% निकालना हो, देखिए 1% अगर इसका निकालना हो तो 1/100 करते हैं ना, उसी तरह 0.1% निकालना है तो क्या करेंगे, 0.1/100, ये दो जीरो कट गया, 0.1 से जब इसका मल्टीप्लाई होगा मतलब एक, कुल मिला जाएगा कि 1000 फूल में से एक पौधा जो है, एक फूल जो है वो क्या बन पाता है, फल बन पाता है, ठीक है, ये बहुत खास बात है इसकी, 1% नहीं, सभी गलत बताए हैं, जितने लोगों ने बताया सभी गलत गए हैं, कोई 0.01, बस एक दो बच्चों ने सही बताया, एक नीलकंठ ने सही बताया है, हाँ विकास ने भी सही बताया है, ठीक है, विकास ने भी सही बताया, नीलकंठ ने सही बताया है, रविंद्र ने सही बताया है, बाकी सभी धुआं धुआं हो गए यहीं, ठीक है, सभी धुआं धुआं हो गए यही, बस इसीलिए कहता हूं, ठीक है, कि इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ो, ये सब क्वेश्चंस ऐसे है ना कि लगता तो है कि पता है, लेकिन जब आता है एग्जाम तो सभी, अभी एग्जाम में जब पूछेगा ना तो 1% भी देगा ऐसे, 0.1% भी देगा, 0.001% भी देगा, ठीक है, और क्या देगा, और आपको वो भी देगा, क्या बोलते हैं, 1% भी दे देगा, ऐसे ही दे देता है, इसी में खेल जाते हैं लोग, ठीक है सर। टेलीग्राम चैनल है क्या, जी हाँ बिल्कुल, आप टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का, ठीक है, आप ऑफिशियल चैनल पे हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के, ठीक है। अच्छा आप सभी लोगों से अनुरोध है ना, एक बार लाइक वाले बटन दबा दीजिएगा, जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए, जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, आईसीआर की, इफको की, एफओ की, एफसीआई की, देखिए दो एग्जाम आपके हाल फिलहाल में लगे हैं, एफसीआई लगा है जनवरी में, ठीक है, और इफको एफओ का एग्जाम है इसी में 31 दिसंबर को,
ठीक है, और जनवरी के पहले वीक से लेकर के और लास्ट तक एफसीआई तीन चार फेज में करा रहा है, तो सभी लोग लगे रहे। और इनके लिए मेंस के लिए भी ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे आपके बहुत काम के हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं, उनका भी हो जाए भला, ठीक है, कहावत कही ना, कर भला तो हो भला, ओके। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन किए रीना पाल जी, जी हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार काम किया आपने, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आप लोगों को क्विज वेज भी कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, मोनो की मैंगो की मोनो एम्ब्रियोनिक वैरायटी, पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी, ये सब जानते हैं, कोई बात नहीं, कल वाली क्लास में हम बताएंगे। और थोड़ा पढ़िएगा आप लोग भी, पढ़ के आइएगा कल वाली क्लास में, मोनो मैंगो की मोनो एम्ब्रियोनिक वैरायटी, पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी, फिर आपका डिजीजेज वगैरह जो हो गया, इंसेक्ट्स वगैरह हो गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। पीडीएफ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आज की क्लासेस देखिए पीडीएफ में क्या जाएगा, आपको बस क्वेश्चन मिलेगा यही। ये जो मैं बताता हूं ना साथ में, मैं यहां जो बताने आता हूं, जैसे ये पीडीएफ का 6 क्वेश्चन चाहिए, मिल जाएगा आपको आज वाले क्लास का, अभी तुरंत मैं आज मतलब कल भिजवाता हूं, हर क्लास का आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। जीएस या जीके कहां से पढ़ें, जीएस जीके के लिए अभी आप परेशान ना करिए, होइए, ठीक है, जीएस जीके आपको पढ़वाया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी आपके लिए। जीएस जीके 20-25 क्वेश्चन होते हैं, उसके लास्ट में एक महीना में आपको सब पढ़वा दिया जाएगा। फिलहाल आप चाहें तो ऐसे ल्यूसेंट वगैरह, हालांकि ज्यादा हो जाएगा, ल्यूसेंट तो बहुत है, हालांकि आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, ल्यूसेंट हो गया या फिर ऐसे तमाम सारे चैनल पड़े हैं यूट्यूब पे, खान सर का है बड़ा नाम एक, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, बट बेसिक जो एग्रीकल्चर के लिए जो जीएस चाहिए वो बता दिया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ओके। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए इसके लिए, और पढ़ के आइएगा कल, कल पढ़ के सभी लोग जुड़े, कल रात में वही टाइम रहेगा आपका 9 से 10, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए, बाकी कोई समस्या हो तो हम लोग हैं आपके लिए, ठीक है। तो सभी को शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को हर हर महादेव। सेशन को शेयर जरूर करिएगा एक बार सभी, मैं काफी लोग मेरे से जुड़े हैं, तो जो लोग जुड़े हैं एटलीस्ट उनके तो उस पर दिख ही जाए हमें कि उन लोगों ने शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बाकी और लोग भी मैं चाहता हूं कि सभी लोग शेयर कर दें, ताकि हमारा जो लक्ष्य है ना 31 दिसंबर तक 40,000 हो जाए हमारे सब्सक्राइबर, ठीक है, 40,000 सब्सक्राइबर हो जाए हम, जिससे और मोटिवेशन मिले हमें, और हम लोग जोर लगा करके, दम लगा करके पढ़ाएं, और ज्यादा चीजों को इलेबोरेट करें आपके सामने, आपके लिए और ज्यादा हम लोग मेहनत करें, ठीक है। तो आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर करेंगे, इतना आपसे हम कह रहे हैं, और बाकी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ठंडी में बच बचा के रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। ओमिक्रॉन मतलब कोरोना का जो ओमिक्रॉन का क्या है, कोई BS7 वेरिएंट वगैरह है, जो भी है, मतलब फैल रहा है, चाइना में तबाही मचा चुका है, घनघोर तबाही। तो आप लोग बच के रहिए, और जितने लोगों ने कोरोना के लिए वैक्सीन बनी है, डोज नहीं लगवाया, वो जरूर लगवा लीजिएगा, ठीक है, ओके सर। और लाइव क्लास चलेगा, कल चलेगा अमित कुमार जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। विशाल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, नाइस सेशन, धन्यवाद भाई। गोविंद पटेल जी, मेरा कमेंट देख लीजिएगा, विशाल एग्रीकल्चर से करंटली BU-80 बांदा फर्स्ट सेमेस्टर एग्रीकल्चर, बहुत शानदार, बांदा में है, तो आप बहुत अच्छे से आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, आपके सारे सीनियर बता देंगे, ठीक है, ओके। सौरभ साके जी हैं, प्रिंस कुमार खुश रहिए, विकास पाल CSA यूनिवर्सिटी, गुड नाइट, ठीक है, सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि बाबू, ठीक है, आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, धन्यवाद।